इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें, प्रद्युमन हत्याकांड में आखिर क्यों 11वीं के छात्र को गिरफ्तार किया गया है सीबीआई द्वारा। सीबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें इंतजार है और बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या प्रद्युमन को स्कूल के कंडक्टर ने नहीं बल्कि उसी स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं के एक छात्र ने मारा। 11वीं के इस छात्र को सीबीआई ने कल रात 11:30 बजे गिरफ्तार किया। सीबीआई इस वक्त बिना कैमरे के बात कर रही है। हम आपको बता दें 11वीं का छात्र गिरफ्तार किया गया है प्रद्युमन हत्याकांड के मामले में। हालांकि आरोपी छात्र के पिता ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि उनके बेटे ने यह कत्ल नहीं किया है। सीबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें इंतजार है। सीबीआई के अधिकारी फिलहाल बिना कैमरे के बात कर रहे हैं और हम आपको ये बता दें कि जो थ्योरी सामने आ रही है हरियाणा पुलिस की तरफ से, तो देखिए कहा गया कि कंडक्टर ने प्रद्युमन को मारा है और कंडक्टर ने अपना गुनाह कबूला। सीबीआई इसमें एक नया एंगल लेकर आई है कि 11वीं के छात्र ने प्रद्युमन को मारा है। आरोपी छात्र के पिता अपने बेटे को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा है पूरे घटना को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे आपके बेटे पे सीबीआई ने आरोप लगाया और मामला दर्ज किया, क्या कहना आपका? जब से ये केस हुआ है हम फर्स्ट डे से पुलिस को कोऑपरेट कर रहे थे। केस जब सीबीआई को चला गया, सीबीआई को कोऑपरेट किया। पहले जब पुलिस के पास था केस तो मेरे बेटे को 164 के बयान भी कराए गए थे मेरे बेटे के, और जब सीबीआई के पास गया तो मेरे बेटे की 4 बार तो मुझे सीबीआई हेडक्वार्टर दिल्ली बुला के पूछताछ हुई है। 4थी बार कल बुलाया गया था और यहाँ पे रियान स्कूल में भी बुला लिया, दो तीन बार घर पे भी आके पूछताछ करके गए हैं। लेकिन कल क्या किया इन्होंने कि कल मुझे 11:20 पर मैं पहुँच गया, मुझे रात तक बिठा के रखा और रात 12 बजे बोले कि आपके बेटे ने मर्डर किया है और ये अक्यूज है, ये इसने मर्डर किया है और हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं। अरेस्ट करने के बाद मुझे 2 घंटे बिठा के रखा कि बोले कि जब तक आप ये इसका कन्फेशन है इस पर साइन नहीं करोगे तब तक आप बाहर नहीं जाओगे। मैं 2 बजे रात के 2 बजे वहाँ से निकला हूँ, ये उनकी सीसीटीवी फुटेज बता देगी कि मैं कितने बजे वहाँ से निकला हूँ। मैं जो ये पहले बच्चा जो एक्सपायर हुआ है जिसका मर्डर हुआ है उसके भी साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन ये किसी दूसरे बच्चे के साथ नाजायज हो ये भी बहुत गलत है। मेरे बच्चे ने नहीं किया, मेरे बच्चे ने माली को बताया, टीचर्स को बताया देखते ही बच्चे को, और पूरे दिन स्कूल में रहा है, पेपर दिया है बच्चे ने, कहीं पर भी एक सिंगल स्पॉट मेरे बच्चे के कपड़ों पे नहीं था। कोई भी टीचर बता देगा उसके कपड़ों पे कोई सिंगल ब्लड का स्पॉट देखा हो या फिर कहीं भी किसी ने भी देखा हो। जब छुट्टी हुई है स्कूल की, छुट्टी में वो आया है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं होना चाहिए, करो, पर लेकिन किसी नाजायज नहीं फंसाया जाए। तो आपका कहना है कि सीबीआई ने नाजायज तरीके से आपके बेटे को फंसाया? मेरे बेटे को 4 बार बुलाने के बाद कल भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, मुझे कल अपने बच्चे के पास भी नहीं जाने दिया गया, उस बच्चे को रात 11 बजे तक मुझसे अलग रखा गया है। जैसे आपके बेटे, आपने सुना आरोपी छात्र के पिता को, और इस वक्त ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, आपके पास कोई बड़ी जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि इस मामले में जिस छात्र को पकड़ा गया है उस छात्र की तरफ से कोई सेक्सुअल हरासमेंट का मामला सामने नहीं आया, लेकिन ये छात्र एग्जामिनेशन और पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो स्कूल में होने वाली थी उसको पोस्टपोन कराना चाहता था। यानी कि जो रियान इंटरनेशनल स्कूल में जो एग्जाम्स होने थे और जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होनी थी उसको ये पोस्टपोन कराना चाहता था, जिसके चलते उसने इस छात्र का मर्डर किया। सीबीआई ने यह भी अपनी ब्रीफिंग में बताया कि इस मामले में जो गिरफ्तारी की गई है वो साइंटिफिक एविडेंस और फॉरेंसिक एनालिसिस के आधार पर की गई है। उसमें सीसीटीवी फुटेज जो है उसका डीप एनालिसिस किया गया है, तमाम कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए हैं और कई छात्रों समेत कई टीचरों और अन्य लोगों से पूछताछ की गई है। और आरंभिक जांच के दौरान अभी तक की जो जांच हुई है इस मामले में उसमें ये पता चला है कि ये छात्र पेरेंट्स टीचर मीटिंग को पोस्टपोन कराना चाहता था जो स्कूल में होने वाली थी, इसके अलावा जो एग्जामिनेशन थे स्कूल के उनको पोस्टपोन कराना चाहता था। सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि इस छात्र को पकड़ लिया गया है, इस छात्र को अब से थोड़ी देर बाद गुड़गांव में जुनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। नेहा, ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। ये बहुत बड़ी जानकारी और बेहद चौंकाने हैरान करने वाली जानकारी है कि जो जानकारी सीबीआई के हवाले से मिल रही है।
ओम प्रकाश बता रहे हैं कि जिस 11वीं के छात्र को गिरफ्तार किया गया प्रद्युमन हत्याकांड में, वो दरअसल पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग पीटीएम और एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कराना चाहता था और इसीलिए प्रद्युमन की हत्या को उसने अंजाम दिया ताकि कुछ ऐसा कांड स्कूल के भीतर हो जिसके चलते पीटीएम या फिर परीक्षा टाली जाए। ये बहुत बड़ी जानकारी है। ये भी कहा जा रहा है कि हत्या के पीछे यौन शोषण की बात नहीं सामने आ रही है। ओम प्रकाश लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। ओम प्रकाश, ये तमाम बातें, सीबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक होगी, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सीबीआई ने इस मामले में ये भी साफ कर दिया है कि वो कैमरे पर इस मामले में कोई बयान नहीं देगी। यहाँ तक कि सीबीआई ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि ये जुनाइल एक्यूज से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा वो इस मामले में कैमरे पर भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करेंगे और ना ही इस आशय की कोई प्रेस रिलीज जारी करेंगे। लेकिन सीबीआई प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने, जो सीबीआई के चीफ स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में साफ तौर पर कहा कि एग्जामिनेशन और पेरेंट्स टीचर मीटिंग को पोस्टपोन कराने के लिए छात्र ने मर्डर किया। अभी तक की जांच के दौरान ये बात सामने आई है। जब उनसे पूछा गया कि सीबीआई इस मामले में कैमरे पर क्यों नहीं बोलना चाहती है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चूंकि मामला बच्चे से जुड़ा हुआ है, बच्चे की हत्या का मामला है और इस मामले में जो आरोपी है वो भी एक बच्चा ही है, लिहाजा इस मामले में सीबीआई कैमरे पर या आधिकारिक तौर पर कैमरे पर या कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, सीबीआई स्पोक्स पर्सन अभिषेक दयाल ने ये भी कहा कि इस मामले में सीबीआई की तरफ से कहा जा सकता है कि एग्जामिनेशन एंड पेरेंट्स टीचर मीटिंग को पोस्टपोन कराने के लिए इस 11वीं कक्षा के छात्र ने इस बच्चे की हत्या की। नेहा, ओम प्रकाश, ये बताइए, ये 11वीं का छात्र ऐसा क्यों चाहता था, परीक्षा टालना, पीटीएम टालना क्यों चाहता था, ये कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी तक की जो जांच में सीबीआई के सामने बात आई है, उस दौरान पता चला है कि बच्चा इस घटना के एक दिन पहले कुछ छात्रों से कहता सुना गया था कि कल छुट्टी होगी। इस आशय के भी सीबीआई ने कुछ लोगों के बयान दर्ज किए हैं। सीबीआई का कहना है कि ये बच्चा जो है, हालांकि सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में नहीं कहा है, लेकिन सीबीआई सूत्रों का कहना है कि इस बच्चे की मानसिक अवस्था की भी दवाई पिछले एक साल से संभवतः चल रही थी और ये बच्चा उस दिन चाकू लेकर भी आया था। चूंकि सीबीआई ने इस बच्चे की जो गिरफ्तारी की है वो धारा 302, चूंकि जो नया पासपोर्ट एक्ट आया है उसमें अब सीधे 302 का मुकदमा जो जुनाइल है उस पर भी दर्ज किया जा सकता है, तो इस बच्चे पर 302 और 25 आर्म्स एक्ट लगाया गया है। सीबीआई ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 302 और 25 आर्म्स एक्ट के तहत इस छात्र को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने जो तमाम साइंटिफिक एविडेंस थे उनका फॉरेंसिक एनालिसिस कराया था, सीसीटीवी फुटेज में जो लोग सामने आ रहे थे उनसे विस्तार से पूछताछ की थी और इस पूछताछ के बाद ही इस बच्चे को पूछताछ के लिए अनेक बार बुलाया गया था। सीबीआई ने कहा कि एक से ज्यादा बार इस बच्चे को बुलाया गया और अभी तक की जांच के दौरान ये पता चला है कि महज पेरेंट्स टीचर और एग्जामिनेशन टालने के लिए इस बच्चे ने 7 साल के बच्चे का मर्डर किया। नेहा, एक बात और बताइए ओम प्रकाश, कैमरे पर इस बेहद अहम मामले को लेकर सीबीआई बयान नहीं देना चाहती, इसकी क्या वजह है? क्या आरुषि हत्याकांड के बाद जिस तरह से वो मामला बिगड़ गया, सीबीआई फूक फूक कर कदम रख रही है? बिल्कुल नहीं, हाँ, इस बात की संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीबीआई ने इस मामले में आरुषि हत्याकांड में जिस तरह के पेच सामने आए थे और उसके बाद सीबीआई को अपने ही बयान बदलने पड़े थे, यहाँ तक कि सीबीआई ने सीबीआई के की टीमों में भी कंफ्लेक्शन हो गया था, जो खुद सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एपी सिंह भी इस बात को मानते हैं कि उनकी दो टीमों में दरार थी, एक सहमत नहीं था, तो लिहाजा सीबीआई इस मामले में पूरी तरह से कदम फूक फूक कर रख रही है। और वो चूंकि सीबीआई ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि ये आरंभिक जांच, अब तक की जो जांच हुई है उसमें पता चला है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग और एग्जामिनेशन टालने के लिए इस बच्चे का मर्डर किया गया, तो सीबीआई संभवतः यही बात है कि आने वाले समय में कुछ और एविडेंस सामने ना आए और उसकी सीबीआई की, उसके चलते सीबीआई की खिड़की ना हो, इसके लिए चलते सीबीआई इस मामले पर कैमरे के सामने कुछ बोलना नहीं चाहती। नेहा, ओम प्रकाश, ये भी बताइए, आज दोपहर 2 बजे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में इस आरोपी 11वीं के छात्र की पेशी होनी है, आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, इस छात्र को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। फिलहाल ये किंग्सवे कैंप का जो जुवेनाइल जस्टिस वो है वहां पर इसको रखा गया है, इसके बाद इसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड गुड़गांव के सामने पेश किया जाएगा। उस बोर्ड के सामने बताया जाएगा कि इस बच्चे पर आरोप क्या लगे हैं और उसके बाद इस बच्चे को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए कहा जाएगा। दूसरी तरफ सीबीआई सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है नेहा कि सीबीआई इस मामले में बहुत जल्द ही अपना आरोप पत्र कोर्ट के सामने पेश करेगी। नेहा, ओम प्रकाश, ये भी बताइए कि सीबीआई के सूत्रों की तरफ से ये भी जानकारी मिल रही है कि आखिर वो जो पिता है वो क्यों बार बार कह रहे हैं कि उनका बेटा निर्दोष है, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि उनके बेटे के कपड़ों पर खून के निशान नहीं थे, तो वो मर्डरर कैसे हो सकता है? सीबीआई ने ये साफ तौर से साफ कहा है कि जो बच्चे का पिता है वो अपना पक्ष रखने के लिए पूरी तरह से आजाद है और जो हालात थे उनके पिता को बता दिए गए थे। सीबीआई का कहना है कि तमाम हालातों को उनके पिता को बता दिया गया था और उनके पिता को कल रात इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि उनका बेटा इस मर्डर में शामिल है।
सीबीआई का कहना है कि उनके पिता को, उसके परिवार को इस बारे में पूरी तरह से जानकारी दी गई थी। उनके पिता क्या आरोप लगा रहे हैं, सीबीआई कह रही है कि उसका उन आरोपों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस बच्चे को केवल एग्जामिनेशन टालना था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग पोस्टपोन करनी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ये बच्चा एक दिन पहले स्कूल में कहता हुआ भी पाया गया था, लिहाजा इस बच्चे को गिरफ्तार किया गया है। ओम प्रकाश, ये भी बताइए तो क्या आप कंडक्टर ने प्रद्युमन को मारा इस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर चुकी है सीबीआई? देखिए, इस थ्योरी पर अभी सीबीआई ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि प्रद्युमन इस मामले में जो कंडक्टर है या जो दूसरे लोग हैं उनकी क्या भूमिका है। सीबीआई ने कहा है कि अभी तक की जांच के दौरान ये बात उभर कर सामने आई है कि ये इस बच्चा ये आखिर ये मर्डर क्यों हुआ, मर्डर के पीछे मोटिव क्या था, और जहां तक उसके कंडक्टर की और जो दूसरे लोगों की भूमिका है उसके बारे में सीबीआई में भी साइलेंट है। सीबीआई का कहना है कि इस मामले में चूंकि जांच अभी अपने आरंभिक तौर पर है, कल देर रात 11:30 पर इस बच्चे को गिरफ्तार किया, इस बच्चे को सीबीआई ने अपनी कस्टडी में लिया है, उसके बाद किंग्स कैंप स्थित बाल सेवा उसमें भेज दिया है बालाश्रम में। तो सीबीआई कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और बहुत जल्दी इस बारे में साफ कर दिया जाएगा कि इस मामले में जो पकड़े गए अन्य लोग हैं उनकी क्या भूमिका थी। नेहा, ओम प्रकाश, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि किन धाराओं के तहत 11वीं के इस छात्र को गिरफ्तार किया गया है और क्या मामला इन धाराओं के तहत इस छात्र पर बन सकता है? देखिए, जो छात्र है 11वीं कक्षा का, इसको धारा 302 यानी हत्या मर्डर इसके तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इसके ऊपर 25 आर्म्स एक्ट लगाया गया है, क्योंकि इस छात्र ने मर्डर में चाकू का प्रयोग किया है, लिहाजा इसके ऊपर 25 आर्म्स एक्ट लगाया गया है। इसके अलावा हत्या का सीधा आरोपी 302 की धारा इसके इस छात्र के ऊपर लगाई गई है, क्योंकि नए पासको एक्ट के तहत प्रावधान किया गया था कि अगर कोई जो नए जुनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत जो कुछ समय पहले निर्णय हुए तो उसमें साफ तौर पर कर दिया गया था, जो कि 17 दिसंबर को जो गैंगरेप हुआ था उसमें भी एक जुनाइल शामिल था, उसके बाद जो चेंजेस हुए थे उसमें साफ कर दिया गया था कि अगर कोई जुनाइल भी मर्डर करता है तो उसके ऊपर सीधे मर्डर का मुकदमा चलेगा। उसी एक्ट के तहत इस छात्र पर धारा 302 का मुकदमा सीधे लगाया गया है। इसके अलावा 25, 54, 59 यानी हथियार एक्ट के तहत भी इस छात्र पर मुकदमा दर्ज किया गया है। नेहा, ओम प्रकाश, ये भी बताइए किस तरह के साइंटिफिक एविडेंस की बात कर रही है प्रद्युमन हत्याकांड में सीबीआई? देखिए, सीबीआई इस मामले में कह रही है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी तमाम जानकारी निकाली गई, जो वहां पर बच्चे थे उन बच्चों से, जो बच्चे उस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे थे उन सबको बारी बारी से पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसके अलावा जो कॉल रिकॉर्ड थे वहां से, उस समय जो कॉल रिकॉर्ड जिन लोगों ने फोन किए थे उनका एक डंप डाटा सीबीआई ने निकाला, कौन किस किस बच्चे के या किस किस टीचर के या किस किस अधिकारी के उस समय वहां फोन एक्टिव थे, उनकी किन किन से बात हुई, उसका एक डंप डाटा निकाल के उसकी इंक्वायरी की गई। इस मामले में बहुत सारे लोगों से, जिसमें स्कूल के प्रशासन समेत छात्र शामिल थे, उनसे पूछताछ की गई, और इस दौरान जो साइंटिफिक एविडेंस और फॉरेंसिक एनालिसिस निकला उससे शक की सुई इस बच्चे पे गई। और उसके बाद सीबीआई ने इस बच्चे को एक से ज्यादा बार पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि एक से ज्यादा बार इस बच्चे को पूछताछ के लिए बुलाया गया, और अन्य बच्चों से जो पूछताछ के दौरान जब ये पाया गया कि वास्तव में ये बच्चा इस तरह की हरकतों में संलग्न था, तो उसके आधार पर इस बच्चे को कल देर शाम सीबीआई ने अपनी हिरासत में ले लिया, और अब इसे थोड़ी देर बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड गुड़गांव के सामने पेश किया जाएगा। नेहा, ओम प्रकाश, ये भी बताइए जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने दोपहर 2 बजे इस आरोपी छात्र को पेश किया जाएगा, क्या सीबीआई उस बोर्ड के सामने ये कहेगी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कुछ कमजोर है, ये चाकू लेकर आया था और हत्या से एक दिन पहले इसने साथी छात्रों से कहा था कि कल स्कूल की छुट्टी होगी? बिल्कुल, जो तमाम फैक्ट्स हैं जो सीबीआई की अभी तक की जांच के सामने आए हैं, वो तमाम जो फैक्ट्स हैं वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जो सदस्य हैं उनके सामने रखा जाएगा, उनको बताया जाएगा कि इस बच्चे को आखिर किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, इसके खिलाफ सीबीआई के पास एविडेंस क्या है। जो तमाम सीबीआई साइंटिफिक एविडेंस और फॉरेंसिक एनालिसिस की बात कर रही है उन तमाम एविडेंसेस को सीबीआई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने रखेगी, और सीबीआई इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से ये भी रिक्वेस्ट कर सकती है कि आने वाले समय में जो अगर इस मामले में कुछ क्लैरिफिकेशन है तो उन क्लैरिफिकेशन को लेकर। जी ओम प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत बड़ी खबर। पीटीएम और परीक्षाओं को टालने के लिए 11वीं के एक छात्र ने प्रद्युमन की हत्या की, सीबीआई ने यह केस बनाया है, इससे जुड़े और बड़े खुलासों के लिए सीधे चलते हैं अमन के पास। शुक्रिया नेहा, तो बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से क्योंकि
ये जानकारी अब सामने आ रही है, आपको बता दें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स को टालने के लिए और पेरेंट्स टीचर मीटिंग को टालने के लिए बच्चे की हत्या कर दी गई, निर्मम तरीके से गला रेत कर हत्या कर दी गई प्रद्युमन की। और आरोप लगाए ग्यारहवीं के छात्र पर, प्रद्युमन को कंडक्टर ने नहीं छात्र ने मारा है। सीबीआई ने क्या क्या दावे किए हैं यह हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि ग्यारहवीं के छात्र ने प्रद्युमन की हत्या की, प्रद्युमन को मारा, चाकू लेकर वो स्कूल आया था। और यह हैरान कर देने वाली चीज है कि सिर्फ एग्जाम्स को, परीक्षा को टालने और पेरेंट्स टीचर मीटिंग ना हो उस दिन, इस वजह से एक बच्चे की हत्या कर दी गई। पेरेंट्स टीचर मीटिंग को टालना चाहता था वो छात्र कि स्कूल में कोई कांड हो जाएगा, इस वजह से हो सकता उसको लगा कि शायद एग्जाम्स ना हो, पेरेंट्स टीचर मीटिंग ना हो, इसी वजह से बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। नेहा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अमन, ये बड़ी जानकारी देते हुए आप सोचिए जरा, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स को टालने के लिए मासूम प्रद्युमन की हत्या कर दी गई। कम से कम सीबीआई यही बड़ा दावा कर रही है कि कंडक्टर ने नहीं, ग्यारहवीं के एक छात्र ने मारा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।